Levou ali, levou. टेंशन तो नहीं है ना चोडुपल टूल गेट काड़ा बंडी दोरकिंदी दादापू 20 अबो मंची आवलु दींट्लो कनबड़ुतुन्नायि मंची दोडलु दींट्लो कनबड़ुतुन्नायि इप्पुडु चोडुपल पोलीस स्टेशन लिमिट लो इदि वस्तदि टूल गेट दाटी ई ओक्क बंडी कादु डेली 40 नुंची 50 बंडलु ఈ భాదర్పూర్ స్లేటర్ రోజ్ కి వెళ్తున్నని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఈ బండి డ్రైవరే మాకు చెప్తుండు ఈ బండి డ్రైవర్ ఏం చెప్తుందంటే మేము భాదర్పూర్ స్లేటర్ రోజ్ కి తీసుకొని వెళ్తున్నామని డ్రైవర్ చెప్తుండు నేను అడిగిన డ్రైవర్ కి ఇంకా ఎన్ని ఇట్లాంటి బండ్లు వస్తాయంటే 50 నుంచి 60 బండ్లు చాలా వరకు వస్తాయని అని ఆ డ్రైవర్ అంటుంది నేను పోలీస్ అధికారికి అడుగుతున్నా ఈ ఆవులని కోసేది టోటల్ బ్యాండ్ ఉంది सुप्रीम कोर्ट आर्डर दाखी व्यतिरेक दाखी वील ओपन ऐसी बंलू यावल को तस्कोलते पोलीस अड़ना चोडुपल पोलीस कमीशनर गार अंत चर्यलरा रे कास्टेबल प्रति चक्स्टते टोल गेट चक्स्टते माला व्यक्त कार्यकर्ता अड़ना इवाना आवल कोई बंडी कनबड़ते पोलीशन की तस्कोलते कड़गोल पैन एम ऐसी का नवरू नीम अधिकार असल नीक बुद्धि कार्यकर्ता पैन लाठी चार्जे कार्यकर्ता की केस बुक्त पोलीस वन सैड पे मैं तेलंगा पोलीस नैन इवा इवा मेम फील्ड उठा इवा प्रति कार्यकर्ता फील्डर कड़का मेम वाल की कापड़ने की मैं प्रयत्न नोली अधिकार सहकार
లేక ఇదే ఆవులు పట్టుకొని మొత్తం రోడ్ పైన ఏడవాలా లేక కమిషనర్ ఆఫీస్ కన్నా నిల్ల మొత్తం ఆవులు మొత్తం రోడ్ పైన ఏడ్చి మేము ధర్నా ప్రదర్శన చేస్తాం మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తామని నేను పోలీస్ అధికారికి చెప్తున్నా అదే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు నేను కట్టర్ హిందూ నేనంతా హిందూ ఎవరు లేరు అని ఒక మీరు మాట చెప్తారు మీరు ఏ పంతులకి మీరు అడుగుతారు ఆ పంతులకి అడగండి ఆవులని కోస్తే ఎంత పాపం మనకు వస్తుంది మీ స్టేట్ లో వేల సంఖ్యలో ఆవులని కోసేస్తున్నారు ఆ పాపం వాళ్ళకి తలుగుతుంది కానీ మీకు కూడా తలుగుతుంది ఒక మాట యాద పెట్టుకోండి గౌమాతని ఎవరైనా కోస్తే ఆ పాపం తలుగుతే సర్వనాశనం అయిపోతారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మొక్క ఈ మొక్క ఈ ఒక మాట మీరు యాద పెట్టుకోండి కనీసం ఈ ఆవులని ఈ దొడల్ని ఈ ఎద్దుల్ని కాపాడాలని ముఖ్యమంత్రి గారితో డిమాండ్ చేస్తున్నారు गाड़ी चोडुपल के पास मिल गई जो एक बहुत ही अच्छे कर्मण कार्यकर्ता उनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर वो काम करना चाह रहे कार्यकर्ता और वो लोग गाड़ी रोक कर यहाँ रखे थे अभी वो गाड़ी मिल गई है और तेलंगाना में इस तरह के ज्यादा केसेस सब चालू हो गए क्योंकि तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है वो गौ हत्यारा मुख्यमंत्री कहला रहा है आज क्योंकि MIM के फेवर में व्यक्ति है और उनकी करकमलों द्वारा हजारों संख्या में गाय कट रही है ऐसा ये खुद ड्राइवर कह रहा है कि ये जो रास्ते पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ ये रास्ते से रोजाना 40 से 50 सिर्फ गायों की गाड़ियां और बछड़ों की गाड़ियां कटने के लिए जो भादुरपुरा स्लैड रोज है जो उस क्षेत्र का विधायक MIM का है उस क्षेत्र का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्लैड रोज बने हुए है जो इनलीगल है और वहीं पर इनलीगल गाय जो कटती है मैं आज मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा तुम्हारे बहुत सारे वीडियो मैंने देखा और बार बार आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ और हमारा तो धार्मिक काम कोई नहीं करे तो मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा अगर तुम कट्टर हिंदू हो तो ये देखो तुम्हारे राज्य में गाय कट रही है गाय के बच्चे कट रहे हैं आपको पता है मुख्यमंत्री जी गाय अगर मरती है गाय के बच्चे अगर कटते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है बहुत बड़ा यानी तुम बहुत बड़े पापी हो और पाप के भागीदारी तुम बन रहे हो अगर तुम सचमुच में हिंदू हो मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा चंद्रशेखर राव को कहना चाहूंगा अगर तुम सचमुच में हिंदू हो तो पहला काम गौ हत्या पर पाबंदी लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगाया है हमारे को पता है हमारा धर्म क्या है गाय का महत्व हमें पता है इसलिए मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि एक बार देखो ये गाड़ी में मुख्यमंत्री जी कि कितनी बुरी तरह से गाय बंधी हुई है कितनी बुरी तरह से यह है गायों की परिस्थिति किसी के नाक में रस्सी है किसी के गले में रस्सी है एकदम ऊपर गायों की रस्सियों गर्दनों को बांध दिया गया यानी कितनी तकलीफ में है गौ माता इसको देख के हमें पता चलता है मैं हमारे कार्यकर्ताओं के हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा और कहना चाहूंगा कि आज से कंटिन्यू गौ रक्षा के लिए काम करेंगे अगर पुलिस साथ नहीं देती है तो ये गाय पकड़कर हमें मीडिया के सामने हम प्रेजेंट करेंगे या इस क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के सामने हम गाय छोड़कर हम धरना प्रदर्शन करेंगे हो सके तो मुख्यमंत्री के कार्यालय जो फार्म हाउस है मुख्यमंत्री जहां रहेगा वहां पर ले जाकर ये गायों को रोड पर छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री को बताएंगे कि देखो तुम्हारे राज्य में किस तरह से गाय कट रही है सावधान कहना चाहूंगा मैं मुख्यमंत्री को कम से कम अब से गाय ना कटे ऐसा कोई प्लान बनाओ क्योंकि आज से हम रोड पर है अगर कुछ अच्छा बुरा होगा तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो धन्यवाद।